नमस्कार व्यूवर्स, आज हम लोग चाणक्य नीति के तीसरे एपिसोड में पढ़ेंगे चाणक्य के द्वारा लिखी गई उस नीति के बारे में जिसमें कि उन्होंने एक आइडियल किंग यानी एक आदर्श राजा के बारे में बताया है। एक आदर्श राजा कैसे होता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें चाणक्य नीति में लिखी हुई हैं। तो आइए चलते हैं इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं नोट्स के साथ कि चाणक्य की नीति में क्या क्या लिखा है एक आदर्श राजा के लिए। तो व्यूवर्स, आज देखते हैं एपिसोड 3 में चाणक्य नीति के अंदर में आइडियल किंग कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चाणक्य। तो द किंग इज़ द सर्वेंट दास्य ऑफ द पीपल। तो किंग एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, वो दास भाव का होना चाहिए जो कि हमेशा अपनी प्रजा के लिए ही काम करता रहे, प्रजा का दास बनकर रहे। सैक्रिफाइस एंड सर्विस आर हिज गाइड वर्ड्स। तो सैक्रिफाइस और सर्विस, ये दोनों चीज़ें किसी भी किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। टाइम पड़ने पे किसी भी चीज़ का त्याग करना या किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड करना, ये किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी राजा का। ही हैज़ नो पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ हिज पीपल। तो उसका कोई भी खुद का लाइक्स नहीं होना चाहिए उसको, मतलब किसी भी चीज़ से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, पर्सनल कोई भी उसको इच्छा नहीं होनी चाहिए या गुस्सा विपरीत तरीके से उसको कोई मतलब डिसलाइक नहीं होना चाहिए, बस अपने लोगों के बारे में हमेशा उसको सोचते रहना चाहिए। ये चाणक्य के हिसाब से एक राजा का रोल है। ही कम्स टू पावर बाई एन एग्रीमेंट विद पीपल। तो कोई भी राजा कैसे पावर में आता है, लोगों के साथ वहाँ की जनता के साथ एग्रीमेंट के द्वारा वो वापस आता है, या तो वो लोगों के साथ मिलकर सेना बना के जो है विद्रोह करके जो है राजा बन जाता है, या फिर डेमोक्रेसी हो गई तो डेमोक्रेसी के अंदर में वो जो है लोगों द्वारा चुन करके आया जाता है। जो भी हो, पब्लिक के साथ एक उसका एग्रीमेंट होता है तभी वो पावर में आता है। पीपल पे टैक्सेस एंड द किंग रूल्स द नेशन फॉर देयर वेलफेयर। तो यहाँ पे दोनों के अंदर बैलेंस को बताया गया है कि पीपल जो है वो टैक्स पे करेंगे और राजा जो है वो रूल करेगा। क्यों? क्योंकि अपने जो एरिया है, अपना जो राज है, उसका जो एरिया है राज करने का, अपने स्टेट को जो है वो वेलफेयर पहुंचा सके, अपने देश को जो है वो वेलफेयर पहुंचा सके। वेलफेयर मतलब लोगों का भलाई के काम वहाँ पे कर सके। तो ये कैसे होगा, टैक्स पे करेंगे जो लोग हैं वो टैक्स पे करेंगे और उस टैक्स के पैसे से जो है राजा लोगों को सहायता करेगा। इट इज़ सेड दैट ही शुड इवन गिव अवे हिज वाइफ इफ सो आस्क बाय हिज पीपल। तो अगर ऐसा है कि अगर जनता चाहती है कि नहीं, रानी जो है वो कुछ ज़्यादा ही राजा के ऊपर सवार रहती है, अपने मन मर्ज़ी का काम करवाती है राजा से, हमारे बारे में राजा नहीं सोचता, ऐसी रानी हमको नहीं चाहिए, इसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए, तो राजा को चाहिए कि ऐसी रानी का सैक्रिफाइस कर दे। ये चीज़ आप लोग रामायण में देखे होंगे, जब लोग खुद से कहने लग गए कि सीता जी को हमें देश से निकाल देना चाहिए, तो राम और सीता एक एग्रीमेंट के तहत सीता को बाहर निकाल देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे चाणक्य के लिए ये जो धारणा है ये सही थी। ही एक्सरसाइजेस कोर्सिव पावर्स दैट इज़ दंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस जस्टिस एंड धर्मा। तो यहाँ पे एक और चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया गया, वो ये था कि जोर दें कि दंड नीति जो है वो अच्छी रहे, दंड के अंदर जो है कोर्सिव पावर जनरेट की जा सके, मतलब लोगों को जो है अपने दबदबा वहाँ पे अपने आप को दबदबा बनाए रखना है, लोगों के ऊपर खौफ रहना चाहिए राजा के प्रति लोगों के अंदर, ताकि जो है कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना तोड़ें और शांति के साथ जिएं। मतलब डर रहना चाहिए लोगों के ऊपर, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। द किंग इज़ एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ही डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया है चाणक्य के द्वारा, उसके सेंटर में किंग रहेगा, राजा जो है वो डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। ही अपॉइंट्स एंड रिमूव्स द ऑफिशियल। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन अपॉइंट होगा, कौन बाहर जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, ये सब फैसले जो है किंग लेंगे। ही कैनॉट हाउ एवर एक्ट विदाउट मंत्री परिषद। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि किंग कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकता, उसको हमेशा मंत्री परिषद के साथ में ही काम करते रहना पड़ेगा। ही इज़ गाइडेड बाई इट्स मेजॉरिटी ओपिनियन। तो मंत्री परिषद जो सलाह देगी, जो मेजॉरिटी के साथ सलाह देगी, उसी को जो है किंग को मानना पड़ेगा। ही हैज़ नो वीटो पावर इवन। तो यहाँ पे वीटो पावर मना है। वीटो पावर क्या होता है, 10 लोगों को पूछा, 11वां मेंबर मैं हूँ, 10 लोग बोले हाँ और मैं बोल दूँ ना और मैं जीत जाऊँ। मतलब ये आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं सुना होगा, जो लोग पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं,
कि वीटो पावर नाम की एक चीज़ होती है यूएनओ के अंदर में। उसके अलावा इसका एक एग्जांपल आपको ये भी बताया जा सकता है कि जब कांग्रेस के अंदर ये चीज़ चल रही थी कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो कांग्रेस के ज़्यादातर मेंबर्स ने कहा था कि सरदार पटेल होंगे, सारे लोगों ने उनके लिए वोट दिया, लेकिन सरदार पटेल को वोट ज़्यादा मिले, लेकिन हारने के बावजूद वीटो पावर का इस्तेमाल करके नेहरू को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। ये वीटो पावर किसके पास था? गांधी जी के पास। तो ये वीटो पावर किसी भी एक आइडियल किंग के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे मंत्रिपरिषद बोलेगी वैसे वैसे किंग को जो है अपना निर्णय लेना चाहिए। कौटिल्य गिव्स मच इंपॉर्टेंस टू द एजुकेशन ऑफ द किंग, हियर कौटिल्य कम्स क्लोजर टू प्लेटो। यहाँ पे प्लेटो का जो सोच विचार है उस हिसाब से कौटिल्य थोड़े बहुत सोचते हुए एक जैसे लग रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ द किंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी हम किंग नहीं बना सकते, एक पढ़े लिखे को जो है किंग बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर यही चीज़ मैं भी मानता हूँ पर्सनली, हम लोगों को भी सीखनी चाहिए कि हमारे एरिया में जिन प्रतिनिधियों को हम लोग चुनते हैं, जिन मेंबर्स को हम लोग चुनते हैं पॉलिटिकली, उन लोगों का भी एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। द रूलर शुड हैव स्टडीज वेदास फिलोसफी इकोनॉमिक मिलिट्री साइंस एक्सेट्रा। तो किसी भी किंग को अकॉर्डिंग टू कौटिल्य कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए? वेद आने चाहिए, फिलॉसफी आनी चाहिए, दार्शनिक पढ़ाई जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, मिलिट्री साइंस का ज्ञान होना चाहिए। मतलब ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी पढ़ने के लिए, तो ये सब चीज़ों का ज्ञान उनको होना चाहिए किसी भी एक किंग को। बिसाइड दिस ही शुड हैव कॉन्कर्ड हिज सेंसेस जेलसी लॉफ्टीनेस ग्रीड एक्सेट्रा। इसके अलावा क्या इंद्रिय जय का एक फिलॉसफी था चाणक्य का। इंद्रिय जय मतलब अपने बॉडी के अंदर जो सेंसेस होते हैं, आँख से हम देखते हैं, स्किन से हम टच महसूस करते हैं, टंग से हम टेस्ट महसूस करते हैं, किसी के प्रति हम लोग जेलसी की भावना फील करते हैं, हमेशा कुछ ज़्यादा ही हंस देते हैं, अपने अंदर लालच ला लेते हैं। तो ऐसी फीलिंग्स को जो है हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए किसी भी किंग को, इसे कि इंद्रिय जय नाम का एक टर्म दिया गया है चाणक्य के द्वारा। ही इज़ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी भी है किंग की, वो हमेशा एक कमांडर इन चीफ होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, चाहे कितने भी टाइप के फोर्सेस हो, आर्टिलरी हो, आर्मी हो, या अगर नेवल डॉकयार्ड है आप लोगों के पास तो नेवल फोर्स हो, तो इन सबका कमांडर जो है किंग ही होता है। ही हैज़ सुप्रीम कंट्रोल ओवर द आर्मी एलिफेंट्स ऑफिसर्स स्पाइसेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे उस ज़माने में क्या क्या था आप लोग ये भी कलेक्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, कि उस ज़माने में आर्मी थी और हाथी का इस्तेमाल होता था, और ऑफिसर्स रहते थे मिलिट्री में, और स्पाइज होते थे, जासूस होते थे, तो इन सब के ऊपर जो है राजा का पूरा पूरा अधिकार रहता था। कौटिल्य फेवर्ड पैटर्नल थ्योरी इन पॉलिटिक्स, द किंग लुक्स आफ्टर द एजड नीडी एक्सेट्रा लाइक हिज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे कौटिल्य का जो थ्योरी था उसके हिसाब से, पॉलिटिक्स की थ्योरी के हिसाब से, किसी भी किंग को कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि मैं प्रजा का पिताजी हूँ और प्रजा मेरे बच्चे है। एक पिता अपने बच्चों के साथ जितना केयर करता है, उनका जितना लगाव रखना चाहता है, उसकी जो भावना होती है, वैसे ही किसी एक भावना के साथ में जो है एक किंग को बर्ताव करना चाहिए अपने प्रजा के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। इस छोटे से वीडियो के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की कि एक आइडियल किंग कैसे होता है चाणक्य नीति में। अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे, अगले एपिसोड में स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे कि चाणक्य के हिसाब से एक स्टेट क्राफ्ट कैसे तैयार किया जा सकता है, उस थ्योरी को लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।